पूरे बॉलीवुड में मुन्ना भाई का नाम सुनते ही सिर्फ एक ही फिल्म का नाम याद आता है, वो है मुन्ना भाई MBBS। जी हाँ, संजय दत्त। आज हम बात करने वाले उसी के रिलेटेड मुन्ना भाई 3 को लेकर आई है एक बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ, जब से मुन्ना भाई 3 का अनाउंसमेंट किया गया था उसके बाद से इसका एक पोस्टर भी जारी किया जा चुका, जिसमे आप देख सकते हो मुन्ना भाई और सर्किट फनी रिएक्शन में दिखाई देते है, और इसके बाद से इसके फिल्म से जुड़ी कई अपडेट सामने आई है। लोग सोच रहे है कि ये फिल्म बनेगी या फिर नहीं बनेगी, और फाइनली बहुत लंबे समय के बाद इस फिल्म को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट और गुड न्यूज आई है। जी हाँ, जल्दी इस फिल्म का ट्रेलर हम सबको देखने को मिल सकता है, और इसी के साथ साथ ये भी कंफर्म हो गया है कि ये फिल्म हम कब तक देखने को मिल सकती है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर राजकुमार हिरानी, जिसकी अब तक कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं गई है, और राजकुमार हिरानी के मुन्ना भाई और लगे रहे मुन्ना भाई को डायरेक्ट किया गया था। इसी साल दिसंबर को राजकुमार हिरानी जी की फिल्म डंकी आने वाली है। ये फिल्म शाहरुख खान और इसकी नेक्स्ट मूवी मुन्ना भाई 3 हो सकती है। अब अगर बात करें तो यह मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, तो इस फिल्म के स्टार कास्ट को लेकर अब तक कोई भी अपडेट नहीं आई है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि संजय दत्त और हर्षद वाजी मेन लीड रोल में होने वाले हैं, और साउथ से कोई बड़ा एक्टर हो सकता है, बट ये तो अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। कोई भी बड़े अपडेट आती है तो मैं आपको उसके बारे में जानकारी जरूर दूंगा। तो आप इस फिल्म को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटमेंट है हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। बाकी ऐसी रिलेटेड अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियो देखें।